और अब बात महासंग्राम 2023 की करेंगे, जहां मिशन एमपी पर अमित शाह है। देर रात तक भोपाल में मंथन भी किया गया अमित शाह की तरफ से, और इसी के साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की 36 सीटों की रणनीति पर चर्चा हुई है। दरअसल बैठक में अमित शाह ने कहा कि सारे काम छोड़ दो, 20 दिन विधानसभा में लग जाओ। बैठक में अमित शाह ने 121 चर्चा की, हाथ उठाकर पूछा आपके विधानसभा की स्थिति क्या है। अमित शाह ने यह अपील की कि मतदान तक सारे काम छोड़ देने हैं, अब सिर्फ विधानसभा चुनाव में जुट जाना है, बूथ पर रखनी है बारीक नजर और अधिक से अधिक मतदान कराना है। नाराज नेताओं को खुद मनाएंगे अमित शाह, और जरूरत पड़ी तो खुद बातचीत करने भी जाएंगे कोर कमेटी के सदस्यों से। बैठक में अमित शाह ने इन सभी बातों का जिक्र किया और बोले हर नाराज कार्यकर्ता को मनाना है, सरकार आने पर ऐसे कार्यकर्ताओं को बड़ा मौका दिया जाएगा। आगे अभी कई विकल्प बाकी हैं, कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मिलूंगा, फोन पर भी बात कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, और जहां कमजोर कड़ियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाए, ये अमित शाह का फोकस है। और इस बार किसी भी तरह की कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए निर्देश ये दिए गए हैं अमित शाह के द्वारा कि सब काम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव पर ध्यान दो। और आज क्योंकि दूसरा दिन है अमित शाह का, और दूसरे दिन आज उज्जैन में रोड शो भी होगा, महाकाल के दरबार जाएंगे अमित शाह, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद रोड शो भी होगा। फिलहाल पहले दिन अमित शाह लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से बातचीत की उन्होंने, और कहा कि अभी रुठने का वक्त नहीं है, बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं सरकार बनने के बाद दी जाएंगी उन लोगों को, लेकिन अभी रुठने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि सबको मिलजुल कर काम करना है और हर नाराज और हर रूठो को मनाने की स्ट्रेटजी पर अमित शाह नजर आए। और बढ़ते आगे, अमित शाह अब मिशन एमपी में जुट गए हैं और एमपी के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है, और आज अमित शाह जाएंगे उज्जैन, जैसा कि अभी अंशिका ने बताया, उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन कर वे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और इसके बाद एक रोड शो में भी शिरकत करेंगे, और वहीं संभागवार अमित शाह पदाधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। उज्जैन संभाग की 29 विधानसभा सीटों को लेकर वो मंथन भी करेंगे, तो उज्जैन में अमित शाह का रोड शो होगा। इसके अलावा उज्जैन दर्शन करने भी जाएंगे, बाबा महाकाल के दरबार में अमित शाह नजर आएंगे। तो दूसरा दिन भी कई जिम्मेदारियों के साथ शुरू होगा, और दूसरे दिन मिशन एमपी पर ही अमित शाह, और दूसरा दिन बेहद खास है, उज्जैन के साथ साथ रोड शो होगा, रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से, इसके बाद वो कई लोगों से बातचीत भी करेंगे, कई बैठकों में वो शामिल होंगे और पदाधिकारियों से वो फीडबैक भी लेंगे, 29 विधानसभा सीटों को लेकर वो मंथन भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर है अमित शाह और तीन दिन में आज दूसरा दिन है। पहले दिन अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और कई बैठकों में वो शामिल हुए थे, उन्होंने जीत का मंत्र दिया था, और आज दूसरे दिन वो रोड शो करेंगे और बीजेपी की शक्ति दिखाने की कोशिश होगी रोड शो के जरिए भी। इसके अलावा वो उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार जाएंगे और वहां पर आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद ग्रहण करने जाएंगे अमित शाह, और उसके बाद जो कार्यक्रम, जैसा कि अंशिका ने बताया, वो सभी कार्यक्रम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अमित शाह खुद मौजूद होंगे, और अमित शाह के रोड शोज में जहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, आज देखना होगा कि उज्जैन में क्या स्थिति रहती है और किस तरह की यहां पर रोड शो के माध्यम से जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, परिणाम उससे क्या मिलेंगे। और जैसा कि अब तक कार्यकर्ताओं को वो मंत्र देते आए हैं कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव पर फोकस करना है, और आज के रोड शो के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास रहेगा। अनुराग हमारे सहयोगी अंशिका हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। और अनुराग, आज के कार्यक्रम की यदि बात करें, अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है, शेड्यूल क्या कुछ है आज, बड़ा रोड शो और बाबा के दर्शन के लिए भी जा रहे? बिल्कुल, देखिए अमित शाह कल एमपी के दौरे पर आए थे, लेकिन कल उन्होंने जबलपुर संभाग को लेकर बैठक की थी। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे और एक तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार का
आगाज जो है उज्जैन में किया जाएगा, जो अमित शाह है उनका रोड शो होगा। और इसके अलावा जो उज्जैन संभाग के जो कार्यकर्ता हैं, जो जो जिन चेहरों को पार्टी ने इस बार चुनाव के मैदान में उतारा है, उनके साथ अमित शाह की चर्चा भी होगी और किस तरह से चुनाव की रणनीति पर आगे बढ़ना है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और साथ ही अमित शाह इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि उज्जैन संभाग में कहां कहां पर बगावत के सोरे और किस तरीके से बागियों को मनाना है, इस पर भी अमित शाह ने अब अपना फोकस। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि आपने कहा किस तरीके से बागियों को मनाना है, अमित शाह ने अपने पहले दिन के दौरे में इसी बात पर फोकस किया कि रूठों को मनाया जाए। क्या कुछ मीटिंग में बातें हुई इसको लेकर, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कल जो भोपाल में बैठक हुई उसमें इसी बात को लेकर फोकस रहा कि जहां पर पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, जहां पर बागी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए। खुद अमित शाह अब ऐसे बागियों से बात करेंगे जो पार्टी लाइन के बाहर जाकर या तो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी तीसरे दल के बैनर तले चुनाव लड़कर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोशिश इसी बात को लेकर है कि नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है और इसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जो रूठे हैं उनको अभी से मना लिया जाए और जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया उनका वापस हो जाए। तो इसकी कमान अब खुद अमित शाह ने संभाल ली और वो अमित शाह खुद ऐसे बागियों से और खुद नाराज कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे और उनको मनाने की कोशिश होगी। और बात इसको लेकर भी है कि इस बात का भरोसा जो बागी है उनको देने की कोशिश की जा रही है। पूरा फोकस बस इसी बात पर है अनुराग, कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में उसके परिणाम आए और चाहे उसके लिए जो प्रयास है वो सारे अथक प्रयास होने ही चाहिए और सब काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर फोकस करने की स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं अमित शाह। आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो राजनाथ सिंह आज इंदौर आएंगे और कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में प्रचार करेंगे। मुख्य चुनावी दफ्तर का उद्घाटन भी आज राजनाथ सिंह करेंगे। आपको बता दें कि इंदौर एक से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार में भी जुटने वाले नेताओं में अब राजनाथ सिंह का नाम जुड़ गया। राजनाथ सिंह बड़ा चेहरा और केंद्र में मंत्री हैं और बड़ा चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और राजनाथ सिंह आएंगे और कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य चुनावी दफ्तर का वो उद्घाटन करेंगे। और ये वो चुनावी दफ्तर होगा जहां से चुनाव के दौरान की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। और इस दौरान राजनाथ सिंह, जो कि इंदौर एक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही उनके पक्ष में प्रचार भी करेंगे। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर बुधनी में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। दरअसल सलकनपुर से ये यात्रा शुरू होगी और देर रात गोपालपुर में इस यात्रा का समापन होगा और इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा। और जन आशीर्वाद यात्रा का जो लक्ष्य है वो यही, लोगों के द्वारा जो आशीर्वाद अब तक मिला है उसका धन्यवाद और आगे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे उसके लिए लोगों को जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। देर रात गोपालपुर में यात्रा पहुंचेगी, बैरुंदा होते हुए जन आशीर्वाद यात्रा आगे गुजरेगी और यहां से बुधनी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और बुधनी से इस बार एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो शिवराज सिंह चौहान का आज दौरा है, सीहोर भी जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। इसी के साथ जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता का आशीर्वाद और जनता को धन्यवाद देने का काम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जाएगा और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने के लिए, बीजेपी के लिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाने की कोशिश इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए होगी। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी चुनावी सभा में झूठ बोल रही हैं। 27 नौकरियों के प्रियंका गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा, कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रही है। कमलनाथ और दिग्विजय कलाकार हैं, प्रियंका से झूठ बुलवा रहे हैं। मैंने 100,000 नौकरियों की घोषणा की, 65,000 लोगों को मैंने नौकरी दी है।
इतना झूठ बोल रही थी मैंने उनका भाषण देखा कि मैं हैरत में रह गया कि कोई इतना झूठ बोल सकता है। वो कह रही थी मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 27 नौकरियां मिली। मेरी बहन प्रियंका जी, क्या कांग्रेस ने आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रखी है? या तो जानबूझ के झूठ बोलती हो या ये दिग्गी और कमलनाथ भी बड़े कलाकार हैं, कुछ भी बुलवाते रहते हैं। अरे इसी साल 1 लाख नौकरियों की मैंने घोषणा की थी, 65,000 भर्ती हो चुकी है। और बढ़ते आगे, सागर जिले के नरियावली विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पर लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। जी हां, अब तो टिकट के लिए बागी नेताओं के समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों से मारपीट भी शुरू कर दी है। जहां टिकट की मांग कर रहे दावेदारों ने कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला फूंका, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने पुतला दहन करने से मना किया तो टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं ये 2 तस्वीर, एक तरफ जहां पुतला दहन किया गया, दूसरी तरफ लाठी डंडे चले हैं, और देखा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। संपर्क कर रहे थे तो कुछ लोग दिग्विजय सिंह जी, जो की पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और एक पुतला और लेकर आए तो हम लोगों ने मना किया कि आप क्यों जला रहे हैं। तो किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी, ये गर्दन में ये निशान है, ये आप देख सकते हैं, गर्दन पकड़ी और उसके बाद मुझे धक्का दिया तो मैं गिर गया, और मुझे लगभग 20 से 22 लोगों ने जमीन पर आड़ डाल के डंडों से मारा है, और अगर मुझे मेरा साथी नहीं खींचता तो मेरी जान चली जाती। सुरेंद्र चौधरी के आदमी आके और हमारे लड़कों के मारने लगे, और उनने विरोध किया है और गाली गलौज की है, गुंडागिर्दी की है। रतलाम जिले की राजनीति में ऐसे नजारे कम ही देखने को मिलते हैं कि जब राजनीति के दो धुर विरोधी एक साथ दिखाई दे, बात पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कुठारी और रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप की हो रही है, जो एक साथ एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए। अंशिका, देखिए चुनाव की और लोकतंत्र की खूबसूरती, एक तरफ समर्थक एक दूसरे पर डंडे चला रहे हैं, दूसरी तरफ नेता लोग एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मौका था विधायक के जनसंपर्क का, जब शहर के विधायक कश्यप वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी के घर पहुंच गए, और पूर्व गृह मंत्री और उनके परिवार ने भी रतलाम विधायक का दिल खोलकर स्वागत किया और उनका अभिवादन किया और उन्हें जीत का आशीर्वाद दे दिया। आपको बता दें कि 2013 के बाद ये तीसरा मौका है जब कश्यप हिम्मत कोठारी के घर पहुंचे। विधायक कश्यप को बीजेपी ने तीसरी बार यहां से टिकट दिया है और उनके सामने कांग्रेस ने पारस सकलेचा को उतारा है। और अब बात करेंगे आगर मालवा की, जहां पर पर्स चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए जेबकतरे को सरेआम लोगों ने जमकर पीटा। मामला सीएसपी कार्यालय के पास का है, जहां जेबकतरे की जमकर धुनाई हुई है। लोगों ने बताया कि जेबकतरे ने जिस शख्स से लिफ्ट ली थी उसी की जेब से पर्स निकालने लगा, और इस दौरान उस शख्स को पता चल गया, जिसके बाद उतरकर उस जेबकतरे की जमकर धुनाई की और जेबकतरे को पकड़कर कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां पर अब आगे की कार्रवाई की गई। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ग्वालियर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने 450 किलो गांजा पकड़ा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ट्रक में ओडिशा से ग्वालियर लाया जा रहा था गांजा, गांजा ला रहे 4 आरोपी भी पकड़े गए हैं, 3 यूपी और 1 राजस्थान का आरोपी है। मुख्य आरोपी फ्लाइट से ओडिशा जाकर डील करता था, पुलिस चेकिंग से बचने के लिए ट्रक के आगे चलती थी आरोपियों की लग्जरी कार। महाराजपुरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है।
50 लाख का गांजा मिला है। 450 किलो गांजा जब्त किया गया है जिसकी कीमत 50 लाख आकी गई है। सागर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जहां 641 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। दरअसल इस जब्त की गई शराब की कीमत 3,50,00,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है और दस्तावेजों में छेड़छाड़ को लेकर शक हुआ। रूटीन चेकिंग के दौरान ये शराब पकड़ी गई। शराब और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली से हैदराबाद ये शराब ले जाई जा रही थी और मालथौन चेक पोस्ट पर ये शराब पकड़ी गई। और इधर मुरैना में पिछले सप्ताह पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के घर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 50 तोला सोने के गहने बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी पूर्व सांसद के घर के पास ही रहता है। उसने अपने घर के पास इन गहनों को जमीन में दबा दिया था। उसके दो साथी भी इसमें शामिल थे। फिलहाल वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात करने के साथ ही 106वीं कड़ी का सुबह 11 बजे इसका प्रसारण होगा। कई मुद्दों पर पीएम विचार भी रखेंगे। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण हुआ था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 106वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री विचार रख सकते हैं। मन की बात में आपको मिलिए चलेंगे 11 बजे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।